चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, इफ टू बॉल्स ऑफ डिफरेंट मासेस आर ड्रॉप्ड ऑन सैंड, इफ टू बॉल्स ऑफ डिफरेंट मासेस आर ड्रॉप्ड ऑन सैंड, इज देयर एनी अरमान इन योर क्लास? अरमान अरोड़ा, आई वॉन्ट अलाउ एनी बडी टू एंटर विद एनी अदर नेम, मे बी द नेम ऑफ ब्रदर और सिस्टर. You have to enter by your own name. The depths of penetration is same if the depths of penetration is same if options are a part heavier ball is dropped faster than lighter ball. Heavier ball is dropped faster than lighter ball. B part, lighter ball is dropped faster than heavier ball. Lighter ball is dropped faster than heavier ball. C part, the product MV, the product MV is same for both bodies. Product MV is same for both the bodies. D none of these. Two balls, understand the question first. Two balls of different masses are dropped on sand. ठीक है, same mass के हैं तो उनकी depth of penetration कब same रहेगी? डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन तब सेम रहेगी अगर उनका इम्पैक्ट सेम है, अगर जितना फोर्स वो लगा रहे हैं वो सेम है. ठीक है, तो फोर्स सेम होना किससे डिपेंड करता है? फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम. हाँ, कैसे कैसे सी कैसे? अब उन्होंने कहा डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन सेम है, मतलब कि चेंज इन मोमेंटम जो है वो स्मॉल नहीं है, मोमेंटम में चेंज कांस्टेंट हो गया. सपोज अगर डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन सेम है तो बॉडी स्लो डाउन नहीं हो रही इसका मतलब, तो फिर फोर्स जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करेगा कि टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा? टाइम ऑफ इम्पैक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा. If two balls of different masses are dropped on sand, आप F is equal to ma भी use कर सकते हो. Mass different है, तो acceleration जो है वो भी उसके accordingly change होनी चाहिए, तभी force same रहेगा. कहने का मतलब ये है कि force same कब लगेगा, वो ये कह रहे हैं कि उनका depth of penetration कब same रहेगा, कि दोनों same depth तक penetrate करें. तो कब सेम रहेगा? इफ मास इज वेरिंग देन एक्सेलरेशन शुड आल्सो बी चेंजिंग. एक्सेलरेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है कि चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम. ठीक है, तो आपका सी पार्ट आंसर आएगा. किसी ने सी बोला था यहाँ से, कैसे एक्सप्लेन करोगे बताओ? इट डिपेंड्स ऑन मोमेंटम. हाँ, एक्सेलरेशन फर्दर वेलोसिटी पे या मोमेंटम पे डिपेंड करती है. ठीक है, तो हम इसको मोमेंटम चेंज से रिलेट नहीं करें, हम ये मतलब लें कि डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इज सेम, मतलब उनका इम्पैक्ट सेम आ रहा, उनका फोर्स सेम लग रहा है. तो फोर्स सेम लगने के लिए ये प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट होना चाहिए. आई थिंक यहाँ पे एम ए होना चाहिए. सी पार्ट में एम ए कर लो. द प्रोडक्ट एम ए इज सेम फॉर बोथ द बॉडीज, फिर आपका क्लियर है. इम्पैक्ट सेम होने के लिए ये प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, चाहे मास वेरी कर रहा है, एक्सेलरेशन उसके अकॉर्डिंगली वेरी करनी चाहिए. सो दैट्स द आंसर. नेक्स्ट लिखिए, अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मूव्स अ बॉडी. ऑप्शंस आर ए पार्ट frictional force exerted on the body is less than 50 newton. frictional force exerted
on the body is less than 50 newton, B part more than 50 newton, more than 50 newton, C part none of these, and D part both A and B. Option first hai, frictional force exerted on the body is less than 50 newton, B part frictional force is more than 50 newton, C part none of these, and D part both A and B. Both A and B तो हो ही नहीं सकता क्योंकि more than less than इकट्ठा ही थोड़ी होगा. तो चलिए बताइए अब none भी नहीं है, A और B में से कौन सी करेक्ट है. If the body is moving, that means frictional force must be less than the applied force. So applied force हमारा 50 newton का है, तो frictional force must be less than 50 newton. So our answer is A part. Our answer is A part. ये next question तो आपको पता ही, action and reaction forces act on same body, act on different body, act in same direction both A and C. क्या आएगा इसका? क्या आएगा? वही आएगा, एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज. ठीक है, एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी. एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस लिखो बस. एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, ए पार्ट एक्ट ऑन द सेम बॉडी, बी पार्ट एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, सी पार्ट एक्ट इन सेम डायरेक्शन, C part act in the same direction, and D part both A and C. D part both A and C. देखो both A and C तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें A act on same body, वो तो होता नहीं. They act on two different bodies. So just to confuse you, they have given this option both A and C. So answer is B part act on two different bodies. आपको पता है motion तभी होती है एक्शन एंड रिएक्शन, बिकॉज़ दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज. ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, सो रिमेंबर दिस. 10th क्वेश्चन, अ फुटबॉल, सो आई रिपीट इट. क्वेश्चन नंबर आपका, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन सेम बॉडी, एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, एक्ट इन सेम डायरेक्शन, बोथ ए एंड सी. ये ऑप्शन सी आपका आंसर क्या आएगा, बी एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज. बोथ ए एंड सी क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ए तो वैसे ही नहीं है कि एक्ट ऑन सेम बॉडी, वो पॉसिबल नहीं होता. ठीक है, नेक्स्ट है, अ फुटबॉल एंड अ स्टोन हैव सेम मास, अ फुटबॉल एंड अ स्टोन हैव सेम मास, अ फुटबॉल एंड अ स्टोन हैव सेम मास, ए पार्ट बोथ हैव सेम इनर्शिया, A part both have same inertia, B part both have same momentum, B part both have same momentum, C part both have different inertia, C part both have different inertia, D part both have different momentum. D part both have different momentum. What would be the, very simple, kya hai? C. C kya hai? Different inertia. Why do you think they will have different inertia? Why do you think they will have different inertia? Anyone from the online students? Yes. क्या इसका आंसर होगा? फुटबॉल और स्टोन दे आर सेइंग कि उनका सेम मास है, तो क्या उनका सेम इनर्शिया होगा, डिफरेंट इनर्शिया होगा, मोमेंटम सेम होगी कि डिफरेंट मोमेंटम होगी? बताओ, मोमेंटम तो सेम होगी बिकॉज बोथ आर एट रेस्ट, तो मोमेंटम दोनों की कितनी है? जीरो. मोमेंटम होता है प्रोडक्ट का मास एंड वेलोसिटी. सिंस देयर वेलोसिटी इज जीरो, बोथ आर एट रेस्ट, बोथ आर हैविंग जीरो मोमेंटम. नाउ द क्वेश्चन इज वेदर दे आर सेम और डिफरेंट इनर्शिया. अगर सेम मास दिया हुआ है तो इनर्शिया सेम होगा. यू नो इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन विच फैक्टर? मास. इट डिपेंड्स ओनली ऑन मास. सो इफ दे आर हैविंग सेम मास, देन देयर इनर्शिया वुड बी सेम. तो ए पार्ट इज द आंसर, दे विल हैव सेम इनर्शिया.
आप उसके साइज को इमेजिन कर रहे हो ना, फुटबॉल बड़ा आता है, स्टोन छोटा आता है, बट दे आर सेइंग द सेम मास की। तो अगर मास सेम है तो इनर्शिया सेम है। ऑल राइट, नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, ऑप्शन आर Yes, कौन बताएगा आंसर? Which answer will be suitable here? क्या आएगा? Question है ऐसा ही ना, न्यूटन, अगर यहाँ पे मीटर लिखा होता तो मीटर, ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन सेम ही होते थे, तब आपका आंसर होता बी एंड सी बोथ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मीटर स्क्वायर कर दिया, अगर लिखा होगा मीटर स्क्वायर कर दिया, मीटर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, जाउल। चलो वो तो अभी आपने किया नहीं एनर्जी को, ये देखिए केजी मीटर पर सेकंड मोमेंटम का यूनिट है, ये नहीं है। अगर केजी मीटर स्क्वायर नहीं होता, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता तो वो न्यूटन के इक्वल ही होता, तब आपकी दो ऑप्शंस करेक्ट हो जाती, बट वी आर हैविंग एमसीक्यूज विद वन करेक्ट ऑप्शन हियर, तो आपका आंसर है सी। हाँ हाँ, अगर आपका बोथ बी एंड सी होता तो आप टिक कर सकते हो, पर यहाँ पे बोथ बी एंड सी नहीं है तो मैंने एक ऑप्शन को चेंज कर दिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन लिखिए, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, यू कैन रेज हैंड। लिखिए ये वाला क्वेश्चन, द कॉइन रिमेन्स एट रेस्ट इन द फिगर ड्यू टू, ऑप्शन एक मिनट, ऑप्शन लिखिए। ऑप्शंस आर ए पार्ट इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बी पार्ट टू फोर्सेस एक्ट ऑन द कॉइन विच बैलेंस ईच अदर, टू फोर्सेस एक्ट ऑन द कॉइन which balance each other, C part, B part, two forces act on the coin which balance each other, C part, no unbalanced force acts on it, C part, no unbalanced force acts on it, D part, all of these, D part, all of these। अब क्या आएगा? वैसे आंसर दिया हुआ है डी, ऑल ऑफ यू। देखो नेट अनबैलेंस फोर्स भी तो उस पे नहीं लग रहा ना, नहीं बी में भी तो आया, हमने जब कॉइन कॉइन की बात कर रहे हैं, कॉइन टू फोर्सेस एक्ट ऑन द कॉइन विच बैलेंस ईच अदर, ठीक है, उसकी वो तो चलो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट कर रही है ना, हाँ, और एक उसको जो कार्ड से रिएक्शन मिल रही थी वो तो वो एक दूसरे का बैलेंस कर रहे हैं ना। यहाँ ये नहीं लिखा कि हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से तो आगे चला जाता है एफ इजिकल टू एम ए, बट क्या उसके ऊपर दो बैलेंस फोर्सेज एक्ट कर रहे थे जब ये पड़ा हुआ है इसके, उन्होंने ये नहीं कहा कि जब हमने फ्लिप कर दिया, उन्होंने कहा है कॉइन इज एट रेस्ट, अभी फ्लिक तो किया ही नहीं है कार्ड को, कॉइन मूव नहीं किया है, ये उससे पहले वाली सिचुएशन की बात कर रहे हैं,
हमने टम्बलर के ऊपर कार्ड रखा, कार्ड के ऊपर कॉइन रखा, इस टाइम पे कॉइन के साथ क्या हो रहा है? पहली चीज इनर्शिया रेस्ट के करके वो रेस्ट पे, सेकंड थिंग यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं जिसके करके वो बैलेंस है, एक तो वेट और दूसरा कौन सा, ये कार्ड जो इसको रिएक्शन दे रहा है, एक्शन एंड रिएक्शन की वजह से ये रेस्ट पे। थर्ड थिंग इज नो अनबैलेंस फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, क्योंकि अभी रेस्ट पे है तो कोई फोर्स इस पे एक्ट नहीं कर रहा है, तो अभी सारी चीजें करेक्ट है। नाउ गॉट इट? आपके माइंड में वही एग्जांपल, हम मेरे माइंड में भी पहले यही आया था कि हम कॉइन को फ्लिक कर चुके, तो माइंड में ये आ रहा कि वो उड़ चुका है कॉइन, नहीं उन्होंने कहा इस टाइम पे क्या। व्हाट दिस नाउ? सो प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली ऑलवेज। ओके, कोई डाउट इनमें से तो पूछ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट देखते हैं। चलो एक बार फिर से मुझे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट बताएंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स रेज हैंड, हु विल टेल मी द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? नहीं आ रही किसी को? रेज हैंड। बोलो बच्चे, रेज हैंड। किसी को नहीं आ रही? और कुछ बच्चे लेट आ रहे हैं काफी। अर्षिता वॉज लेट, जतिन वॉज लेट, ट्राई टू बी ऑन टाइम। हाँ जी, स्टेटमेंट आप बताओ, चलो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट बताइए। आप बताओ राघव, अर्णव सॉरी, स्टेटमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कल हमने की है ना सारी स्टेटमेंट्स, बताओ। एनी गर्ल? मगन, पास्ट टेंस में मत बताओ, इसको जनरल बोलेंगे। ठीक है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम दैट इज व्हेन नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो, इनिशियल मोमेंटम रिमेन्स इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। गॉट इट? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुरेश नोटिस्ड अ बिग ग्रेनाइट रॉक, अ बिग ग्रेनाइट रॉक इन हिज लोकेलिटी। सुरेश नोटिस्ड अ बिग ग्रेनाइट रॉक इन हिज लोकेलिटी। ही थॉट दैट if they worked upon it, he thought that if they worked upon it they could earn money, they could earn money. He took permission from the government, he took permission from the government and broke the rock using a bomb, and broke the rock using a bomb. आप देखते हो मूवीज में वो explosions करके रॉक को ब्रेक करते हैं, ठीक है? And he broke the rock using a bomb. The rock was made into slices. Rock with a bomb. The rock was made into slices
they established a granite industry. They established a granite industry. अब इसके साथ अटैच्ड है न्यूमेरिकल. अ बॉम्ब इज थ्रोन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. अ बॉम्ब इज थ्रोन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड. इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड. It explodes into two parts. It explodes into two parts of masses 6 kg and 3 kg. It explodes into two parts of masses 6 kg and 3 kg. Full stop. The heavier fragment, the heavier part, 6 kg wala, the heavier fragment continues to move in the horizontal direction. The heavier fragment continues to move in the horizontal direction with a velocity of 80 meter per second. With a velocity of 80 meter per second. Calculate the velocity of lighter fragment. Calculate the velocity of lighter fragment. Calculate the velocity of lighter fragment. तो ये simply law of conservation of momentum के basis पे है. जो bomb के अंदर explosion हो रहा है जिसकी वजह से दो parts निकल रहे, that is totally on the basis of internal forces. They are internal forces. तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विल होल्ड हियर. इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. सो लेट अस इक्वेट. पहले तो ये जो बॉम्ब है वो पहले रेस्ट भी होगा और उसका मास कितना होगा, 6 + 3 9 केजी होगा और ये रेस्ट पे है, इसकी अपनी वेलोसिटी 0 थी. सो व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर द एक्सप्लोजन. Before the explosion, the momentum is initial. Before explosion, momentum of the system is initial, and that is the momentum of bomb, which is at rest. So the momentum of the system is zero initial. एक point देख लो, पहले समझ में आ गया? नहीं नहीं, वो rest पे है. उसकी velocity दी हुई है 50. 50 दी हुई है, sorry. तो आपकी वेलोसिटी 50 दी हुई है, तो वो रेस्ट पे नहीं है. इनिशियल मोमेंटम कितनी हुई, मास इनटू वेलोसिटी. मास है इसका 9 और ठीक है वेलोसिटी है 40 केजी मीटर पर सेकंड. ये इनिशियल मोमेंटम है, उसको हम उन्होंने थ्रो किया है ना रॉक को ब्रेक करने के लिए, तो इसलिए ये रेस्ट पे नहीं है. अब हमारी दो पीसेस के जो मासेस हैं आफ्टर ब्रेकिंग M1 और M2 6 केजी है और 3 केजी. जो हेवी मास की तरफ से दी है उन्होंने 80 मीटर पर सेकंड और जो स्मॉलर फ्रैक्शन की तरफ से फाइंड आउट करनी है. ये डेटा हो गया. सो आफ्टर एक्सप्लोजन व्हाट इज द मोमेंटम व्हिच इज फाइनल. आफ्टर एक्सप्लोजन फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज मोमेंटम ऑफ हेवियर पार्ट प्लस मोमेंटम ऑफ लाइटर पार्ट. ठीक है, तो हेवियर पार्ट की मोमेंटम क्या है M1 V1, लाइटर पार्ट की मोमेंटम क्या है M2 V2. इसमें पुट करिए, सॉल्व करो, आपका आ गया 6 × 80 प्लस 3 × V2, वही तो हमने निकाला है ना. ये हो गया 480 प्लस 3 V2. दिस इज योर फाइनल मोमेंटम. ये देख लो, पहले क्लियर है आपको, दिस इज फाइनल मोमेंटम. नाउ इनिशियल मोमेंटम
is equal to final momentum according to the law of conservation. Suppose the initial is 450, final is 480 plus V V2. Can you solve? हाँ जी कितना आ रहा है 10 10 मीटर पर सेकंड -10 माइनस आ रहा है क्योंकि अगर एक्सप्लोजन होता है एक पार्ट उधर जाएगा दूसरा उधर जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे अगर दो को ठीक है इन ऑर्डर टू कंजर्व मोमेंटम दे शुड फ्लाई ऑफ इन ऑपोजिट डायरेक्शन वैसे भी Is that okay? कहीं पे कोई डाउट है पूछ सकते हो देख लो एक बार एक और लिखिए घर के लिए यू विल ट्राई योर सेल्फ सुन लो राधा फाउंड द व्हील गेटिंग डिटैच्ड फ्रॉम हर अंकल्स कार राधा फाउंड द व्हील getting detached from her uncle's car she took it to workshop and got it repaired she informed her uncle who is a mechanical engineer about this matter matlab samajh mein aa gayi na situation kya hai ki usne car drive kar rahi hogi uncle ki to uska tire detach ho gaya aur wo usko workshop mein le gayi aur usne fir uncle ko bhi bata diya who was a mechanical engineer आगे मेन पार्ट क्या है वो नोट करिए अ थिन व्हील कैन स्टे अप राइट ऑन इट्स रिम अ थिन व्हील कैन स्टे अप राइट ऑन इट्स रिम फॉर अ कंसिडरेबल लेंथ ऑफ टाइम व्हेन रोल्ड विद अ कंसिडरेबल वेलोसिटी Why? A thin wheel can stay upright on its rim for a considerable length of time when rolled with a considerable velocity. मतलब कि कहने का ये है कि जब व्हील रोल कर रहा होता है तो वो सीधा रहता है जब व्हील रेस्ट पे आ जाता है तो गिर जाता है होता है ना ऐसे आपने देखा होगा बच्चों को वो टायर चलाते हैं ऐसे करके है ना तो अगर वो एक जगह पे टायर खड़ा रहे तो वो गिर जाता है अगर उसको मूव करवाते रहे तो वो रोल करता है तो इसमें कौन सा फोर्स जो है वो हेल्प करता है विच फोर्स इज हेल्पिंग The wheel to move upright, to stand upright when it is rolling, when it is moving, sliding on another. Frictional force. यहाँ पे frictional force को help कर रहा है उसको खड़ा रहने. जब वो rest पे है तो frictional force act नहीं कर रहा. Frictional force नहीं मिल रहा इसलिए वो गिर गया. तो frictional force हमेशा undesirable नहीं होता. ये कई situations में desirable भी होता है. Note कर लीजिए example. जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोल करती है फ्रिक्शन वहां पे हेल्प करता है फ्रिक्शन हेल्प्स एनी ऑब्जेक्ट टू रोल तो आप ये लिखोगे कि व्हेन इट इज रोलिंग फ्रिक्शन हेल्प्स द व्हील टू स्टैंड अपराइट व्हील डज नॉट फॉल बट व्हेन द व्हील विल बी एट रेस्ट देन इट विल बी फॉलिंग डाउन बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन कॉन्सेप्ट समझ लगा तो फ्रिक्शन हेल्प करता है रोलिंग में भी
यहाँ पे भी फ्रिक्शन जो है वो नेसेसरी है इस केस में। अगर फ्रिक्शन नहीं हो ना तो आप किसी चीज को रोल ही नहीं करवा सकते। रोल करने के लिए भी फ्रिक्शन कंपलसरी होता है, नेसेसरी होता है। इज दैट राइट? ठीक है, चलिए डू द प्रैक्टिस एंड ऑन मंडे यू विल हैव योर टेस्ट ऑन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। एनी डाउट फ्रॉम योर साइड यू कैन कम अप।